सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल मजे में होंगे मुझे पता है। मुझे तो दिख भी नहीं रहा है क्योंकि क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन हमें पता है कि आप लोग जरूर ये ब्लॉग देखने वाले हैं। और सूरज देवता ने आज कृपा की है तो हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा पिकनिक मनाया जाए। और पंकज जी भी आए हुए हैं। हेलो। हमारी छोटी सिस्टर के हस्बैंड है ये, और छोटी सिस्टर आई हुई है। यहाँ है मिस्टर झा अंकल जी। हेलो गाइस। हाँ हेलो गाइस। पीछे जगत मामी भी दिखेंगी। जगत मामी दिख जाइए सभी को। आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और आज रिपब्लिक डे, आज आंटी कर रही है व्लॉगिंग क्योंकि मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया है कि आज हम आजाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज ही आजादी मिली है। आजादी मिल गई थी, अब रूल रेगुलेशन लगाएंगे। आज मैं मामी पे, मैं पे। मेरे पे लगा लेना, मेरे को तो अच्छा है, रूल रेगुलेशन में रहना बहुत अच्छा लगता है। और जो रूल रेगुलेशन में नहीं रहता उसके ऊपर पता ही है ना। सबसे पहला रूल इनका मेरी तरफ से ये है कि ये जो सीनियर सिटीजन में अपने आप को डाल रही है ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है। सीनियर सिटीजन जबरदस्ती का ना, बस समझ लीजिए बस। हम सीनियर हो गए ओहदे से तो क्या करें, नहीं हो तो ओहदे से सीनियर होना सीनियर ही होना होता है। और सभी है हमारे घर के, भी पापा भी आ रहे हैं। हमने सोचा हमारे घर के पास एक पार्क है, छोटा सा ही पार्क है, लोहिया पार्क है, उसमें 42 एकड़ का बहुत बड़ा सा पार्क है ये। घर के पास है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम लोग कभी आते नहीं, साल में मगर आ जाते हैं एक दो बार। और मॉर्निंग में क्योंकि लॉकडाउन हो गया तब से ना आते नहीं है, वैसे तो मॉर्निंग में हो जाता था कि मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। तो हमने सोचा यहीं पे आके आज छोटी सी पिकनिक मनाते हैं, गेट टुगेदर है घर में। क्या रोज वही दाल रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना। तो आज प्रभु के गुण यहाँ पे गाते हैं। और मेरा बेटा नहीं है आज। कितनी ही अच्छी स्टार्ट किया है दीदी ने, बहुत अच्छा स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहन बहुत अच्छा, मेरी बहन है। मैं तेरी बहन और तू मेरा भाई है ना। बिल्कुल। और हम दोनों कभी नहीं करते हैं लड़ाई, जब भी करते हैं लड़ाई तो बहुत तेज होती है हमारी लड़ाई, लेकिन फिर क्या होता है कि तेजी से सुलह है। 10 मिनट मैं ही बोल देता हूँ, बहन आ जा। तो हम यहीं पे आज मनाने वाले पिकनिक। बच्चे भी आए, आ जाओ चंगू मंगू एक बार दिखाओ। ये रहे केशव कार्तिक। केशव और कार्तिक जो कि आज इसके पापा ने व्लॉग डाला था और आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया, एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छा इन दोनों ने गाना गाया है, बहुत ही सुंदर। तो देशभक्ति सॉन्ग का एंजॉय करिए, आनंद लीजिए और बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और शेयर भी कीजिए। और ये दिखाती हूँ मैं भर बहुत। के अपना प्यार दीजिए व्लॉगिंग को क्योंकि दीदी ने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए पार्क है ये हमारा। हेलो। ये रही हमारी छोटी आन्या की मम्मी। ये है आन्या की मम्मी, अभी आई है। इसे भी हमने बुला लिया कि आ जाओ, आजाद हो जाओ आज। आज गणतंत्र दिवस है इसीलिए छूट है। हमें छूट मिली थी। इतनी पब्लिक आई है ना आज इस पार्क में, हम सोच रहे थे कि हम ही जाएंगे, हमारे घर के पास है। तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं बता नहीं सकती है ना। आज गणतंत्र दिवस है इसीलिए छूट है मास्क। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा वॉक किया जाए, टहल रहे हैं। हमारी अर्धांगिनी वीडियो बना रही है। मैं बोल दूंगी कि मैं दे रही हूँ, मैं खा रही हूँ। पार्क में आके क्या हो रहा है? पार्क में आके क्या हो रहा है? पिकनिक और समोसे ब्रेड पकोड़े आए हैं। और तो मैं सबसे ज्यादा खा रही है ये मामी जी। खा चुकी है फिर से खा रही है। आप कुछ भी बोल दो, कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं सुन। कितनी बार खाया है? और देखो अभी भी तीसरी बार। ये लोग तो सब झूठे ही हैं। सब झूठे सब झूठे ये सच। पापा सच बताएंगे। पापा पापा देखते हैं आपको खाते। खिला रही हूँ, खिला रही हूँ, खिला तो तब से मैं रही थी। वो क्या होता है? चलिए खा ली। दोबारा खा रही चौथी बार। इतना सारा फिर से देख रहे हो? फिर से निकाल रही है। अब जिसको नहीं खाना नहीं खाओ, मैं रात को भी यही खाऊंगी। हाँ खा लेना, गरम कर कर के खाना। गरम कर कर के खाऊंगी। हाँ समोसे बहुत प्यारे हैं।
तो हाँ समोसा रही के लिए, ब्रेड पकौड़ा छे, सब खाएंगे, सब हम लाइक ले छे, हम खाए हाँ, खेलखिन ओहो खेलखिन। यहाँ अन्नू और पंकज जी कैसा लगा आपको पार्क में, ये बता दो। बहुत बढ़िया। कितने कितने टाइम बाद आए होंगे पंकज जी आप इस पार्क में? फर्स्ट टाइम आए हो आप? मेरे ख्याल से दूसरी बार। दूसरी बार, एक बार शादी के टाइम आए होंगे 10-12 साल पहले, और एक बार थोड़ा घूम लो, पिक्चर विक्चर खिंचवा लो, यादगार राम मनोहर लोहिया जी वो खड़े हमारे लोहिया जी, ये मैं फोकस करके दिखाती हूँ, लोहिया जी किधर है, पीछे हैं ये रे राम मनोहर लोहिया के, ये दिख रहे होंगे आपको, ये रहे लोहिया जी, ये लोहिया पार्क की निशानी है, लोहिया जी की स्टैचू। और यहाँ पे हमारा खाना पीना भी हो चुका है, नाश्ता पानी, चाय भी लाई थी मैं घर से। यहाँ पे हमने अच्छे से पिकनिक मनाया है, और मैं इस चबूतरे से उतरी भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। नीचे घास में ओस इतना था कि पानी पानी हो रखा है, इसलिए हम नीचे नहीं गए हैं ऐसे कुछ। और पीछे पापा खड़े हैं, पंकज जी हैं, अभी चलेंगे आगे। इधर ही एक काम करो, हाय थक गए, कह रहे 5 घंटे से खड़ा हूँ, किसने बोला खड़ा होने के लिए फिर? और हमारे जीजा जी हमेशा कहीं जाएंगे ऐसे लेट जाते हैं। हाँ, लेटते लेटते अभी सो भी जाएंगे। हाँ, लगता है पहाड़ तोड़ के आए हैं, हमारे घोड़ा तक भागे। राजू की बात ठीक है, तुम्हें केशव कार्तिक आज आपने परफॉर्मेंस किया, मैं तो मिस कर गई। लोहिया जी के पास कौन सा गाना गाया था? हाँ, तो एक बार हमारे लिए भी सुना दो, जल्दी से जल्दी फटाफट। सर्टिफिकेट भी दिखाना अपना। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ। आज के हिसाब से बहुत अच्छा है ना। मन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ। बहुत वेरी गुड। सर्टिफिकेट दिखाओ जल्दी, कहाँ है? ये हमारे दोनों मोहम्मद रफी हैं, और कौन है? कुमार शानू है, और दिलजीत दलजीत दलजीत है। वंदे मातरम। दोनों को सर्टिफिकेट भी मिला यहाँ पे, लाइव परफॉर्मेंस किया ऑन द स्पॉट। इन लोगों ने एक सॉन्ग सुनाया यहाँ पे, किसी ट्रस्ट की तरफ से था ये, तो इन लोगों को श्री साइमा ट्रस्ट, साइमा ट्रस्ट, बोरिया बिस्तरा लेके पिकनिक का सारा सामान सब कुछ लेके आए, और सब कुछ जाएंगे। चलिए हम भी चलते हैं, मास्क लगा लो, पुलिस वाले हैं गेट पे,
गेट पे पुलिस वाले कोई ना बेटा कोई ना, चलो नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। कोई सा भी हमने अगर वीडियो डाला है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो सभी जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या कोई से भी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे। ये देखो लास्ट में आइए, हमने बहुत मज़ा आ गया। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।